डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य और मैंडेटरी है क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर। जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। इंट्राडे लेवल निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन एंड डाटा एनालिसिस 7 दिसंबर 2022 के लिए करेंगे और कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसके पहले एफआई ने कुछ माल हल्के किए हैं और शॉर्ट भी बिल्डअप किए हुए हैं, तो कल लग रहा है कि एक बाजार में दोनों साइड रहेगा, ऊपर और नीचे दोनों साइड, तो सौदा संभाल के कीजिएगा और स्टॉप लॉस प्रॉपर स्टॉप लॉस डाल के काम कीजिएगा। और आज तो कोई खास नहीं हुआ क्योंकि आज मार्केट ही 50 से 60 निफ्टी का रेंज में चोपी में रहा, तो कोई खास नहीं हुआ है। अब कल देखते हैं, कल अपने को अच्छा बेनिफिट होना चाहिए दोनों साइड, नीचे और ऊपर के साइड। तो अपने लेवल बनाए हुए, लेवल भी फाइंड आउट कर लीजिए आप लोग, नोट कर ले। तो चलिए फटाफट डाटा एनालिसिस करते हैं। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशनल लर्निंग पर्पस ओनली। ये डाटा है 6 दिसंबर 2022 के, 7 दिसंबर 2022 को क्या रहेगा मार्केट अपने उसकी एनालिसिस करेंगे। क्लाइंट ने 877 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग किए। डीआई ने 4232 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग बाई किए हैं, तो कल तक वो 55251 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, घटकर वो अब 51000 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट चल रहे हैं। एफआईआई ने, देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इंडेक्स शॉर्ट में 9855 कॉन्ट्रैक्ट आज फ्रेश शॉर्ट किए हैं और लॉन्ग भी अनवाइंडिंग किए हैं, तो सोल्ड ने 15461 किए हैं, तो कल तक वो 57240 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, घटकर वो अब 41780 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी है लॉन्ग है। प्रो ने 10352 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए हैं, कल तक 19270 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, वो घटकर अब 8918 कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट चल रहे हैं। अब चलते हैं इंडेक्स कॉल में। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने 63190 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, कल 85721 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, घटकर अब 22531 कॉन्ट्रैक्ट ही शॉर्ट कर रहे थे। एफआई ने सोल्ड किया 18871 कॉन्ट्रैक्ट, कल तक वो 167812 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, उसमें से घटकर अब वो 148921 अभी भी लॉन्ग में है वो, लेकिन आज शॉर्ट भी किए हुए हैं। इंडेक्स कॉल में देखिए 24954 कॉन्ट्रैक्ट। अब उसके बाद प्रो आ रहे हैं, प्रो ने आज सोल्ड किए 44319 कॉन्ट्रैक्ट, कल वो 82809 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, आज वो 127128 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट चल रहे इंडेक्स कॉल में, यानी कि तेजी तो दोनों साइड रहेगा मार्केट। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं। इंडेक्स पुट में क्लाइंट ने आज 123089 कॉन्ट्रैक्ट बेच दिए हैं, कल वो 141139 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, आज वो बढ़कर अब 264228 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के चल रहे हैं। एफआईआई ने बाई किए 47781 कॉन्ट्रैक्ट, इंडेक्स पुट में लॉन्ग किए, तो कल तक वो 208000 थे, उसमें बढ़कर अब 256457 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश बाई हुए हैं। और प्रो ने 75308 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, कल वो 113458 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे, उसमें घटकर अब 38150 अभी भी उनके शॉर्ट चल रहे हैं। तो कंक्लूड यही निकल जाएगा नेट नेट बेसिस पे, कल बाजार लग रहा है कि नीचे की ओर रहना चाहिए और खासा है आरबीआई का पॉलिसी के बाद जोर से एक झटका लगना चाहिए नीचे का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में, वहां पर अपने देख लेते हैं एफआई ने क्या किया आज। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द एनएससी वेबसाइट से पुलअप किया है, एफआई ने इंडेक्स में आज 1865 करोड़ का बाई किए हैं और 3398 करोड़ का सेल किए, नेट बेसिस पे 1533 करोड़ का इंडेक्स शॉर्ट किए हुए। एलएस रेशियो 1.61 है। कैश में एफआईआई ने 635 करोड़ का माल बेचे, डीआई ने 559 करोड़ का माल बेचे, क्लाइंट प्रो अदर ने 1194 करोड़ उसके सामने बाई किए हुए। ये जो मैं बनाता हूँ 5 से 9 दिसंबर के लिए, आज मंगलवार को ये अभी जो करंट मैं वीडियो बना रहा हूँ 8:15-20 पे करंट प्राइस दिए हुए हैं। डॉलर इंडेक्स 105.14 चल रहा है, यूएस ट्रेजरी 2 ईयर बॉन्ड 4.39, यूएस ट्रेजरी 10 ईयर बॉन्ड 3.57, S&P 500 विक्स फ्यूचर 20.47, क्रूड ऑयल 6355 चल रहा है, गोल्ड 1 किलो 53842 और सिल्वर MCX 65885, ये करंट भाव है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देखे हो तो वीडियो को अंत तक जरूर से देखें।
और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट हो रहा लर्निंग पर्पस में, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और इस चैनल से जो नए जुड़े हैं, चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। दिए गए लिंक पर आप जॉइन यूट्यूब में जॉइन हो सकते हो, फेसबुक पेज में आप लॉगिन कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो सकते हो। इंट्राडे वेडनेसडे 7 दिसंबर 2022 के लिए निफ्टी स्पॉट लेवल अबव 18,625 के ऊपर बाय जोन में रहेगा और 18,625 टूटे तो सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 18,590, 18,548, 18,519 और 18,450 तक भी आ सकता है। रेजिस्ट्रेशन ऊपर में 18,672, 18,729, 18,778 सेल ऑन राइस मैंने लिखा हुआ है, जहां बड़े वहां बेचकर भी चल सकते हो। ये निफ्टी के मूविंग एवरेज है, देखिए फाइव डे मूविंग एवरेज 18,722, 10 डे 18,605 और 20 डे 18,440, माने यहाँ तक ये टच करने कल आ सकता है 18,440 तक, ऐसा मुझे लग रहा है। RSI इंडिकेटर 64.35 है, स्टोकेस्टिक 67.53 है, कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है 67,25,100, ओपन इंटरेस्ट 1,10,70,100, चेंज ओपन इंटरेस्ट 3,11,250 यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुए और शॉर्ट पोजीशन बनाई गई है और क्लोजिंग है 18,643, वीक से 14.4, PCR 0.91 मनी कंट्रोल साइट का है और इंडियन रुपीस 82.68 रुपये, ये मैंने 4:30 बजे लिखा हुआ है। अब ये जो मैं PCR बनाता हूँ मेरे हिसाब से ट्यूसडे आज 0.85 है और मंथली PCR 1.30 है और क्वार्टरली 1.41 है, क्लोजिंग 18,643, वीक्स 14.4। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। इंट्राडे वेडनेसडे 7 दिसंबर 2022 के निफ्टी 18,700 का पुट वीकली वाला एबव 87 के ऊपर हो तब बाई करना है। सपोर्ट नीचे में 59.41, इनकेस गैप अप खुलता है इनकेस तो नीचे मिले तो लीजिएगा 59 या 41। स्टॉप लॉस 3.15 का रहेगा, क्लियर मैं आपको बता देता हूँ 3.15 का स्टॉप लॉस रहेगा। रेजिस्टर ऊपर में 135 और 180 तक जा सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 7 दिसंबर 2022 के निफ्टी 18,700 का कॉल, वो पुट था ये कॉल है, सेम स्ट्राइक प्राइस 18,700 का कॉल वीकली वाला बिलो 70 के नीचे सेल करना है, रेजिस्टेंस 95 का लगाना है। इनकेस गैप डाउन भी खुले तब तो कोई बात ही नहीं है और गैप अप खुले तो वेट कीजिएगा। ऊपर के भाव में जहां भी बेचो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देना और सपोर्ट 51, 47.50 और 31 तक कल आ सकता है। इंट्राडे वेडनेसडे 7 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 43,170 के ऊपर बाय जोन में रहेगा और 43,170 के नीचे सेल जोन में रहेगा। सपोर्ट 43,040 और 42,940, 42,900 टूटने से 42,600-500 तक आ सकता है, ये आप नोट कर लेना। और ऊपर में रेजिस्टेंस 43,271, 43,400, 43,540 तक मैक्सिमम जा सकता है, ऊपर सेल ऑन राइस। ये बैंक निफ्टी के मूविंग एवरेज है, फाइव डे 43,213, 10 डे 43,093 और 20 डे देखिए 42,657, 42,900 टूटने से 42,657 को ये टच करने जाएगा। RSI 67 है, स्टोकेस्टिक 71.53 है, कॉन्ट्रैक्ट 20,30,550, ओपन इंटरेस्ट 26,80,800, ओपन इंटरेस्ट घटे है 2,34,275 और क्लोजिंग 43,138 यानी शॉर्ट बिल्डअप हुए हैं। मनी कंट्रोल साइड से PCR 0.85, ये PCR मैं जो बनाता हूँ वो है वीक्स 14.4 पे है, डेली PCR 0.83 है, मंथली PCR 1.09 है, क्वार्टरली 1.17 है। इंट्राडे वेडनेसडे 7 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 43,300 का पुट वीकली वाला अबव 228 के ऊपर चले तो लीजिएगा, सपोर्ट 150 रहेगा, क्लोजिंग बेस रहेगा, ये मैंने इसमें लिख दिया मेंशन करता है क्लोजिंग बेस, और इनकेस गैप अप भी खुल जाता है तो नीचे भी मिले तो लेना चाहिए मेरे हिसाब से। सपोर्ट 150 क्लोजिंग बेस, RST 288, 350 और 405 तक जा सकता है।
इंट्राडे वेडनेसडे 7 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी 43,300 का कॉल वीकली वाला बिलो 195 के ऊपर बेचिएगा, नीचे बेचिएगा, रजिस्ट्रेशन 260 का लगाना होगा, क्लोजिंग भी 195 दिया है, तो वेट एंड वॉच करके आरबीआई का क्या पॉलिसी आ रहा है, वहां पर क्या झटका लगेगा। 195 वाला हो सकता है 280-290 ले जावे, तो जब भी ऊपर का भाव हो जावे वहां बेच दीजिएगा 60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के, और टारगेट अपना सपोर्ट 140 और 100 रुपया तक कल आ सकता है। अगर आपको कमोडिटी फॉरेक्स स्टॉक्स मार्केट एंड ऑप्शन लेवल से लर्निंग में बेनिफिट हो रही हो और इस कंटेंट से भी आपको कोई बेनिफिट मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिस स्लाइड्स वीडियो इज फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय हिंद।